कभी कभी दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्करों में बंदा अपने आप से दूर हो जाता है। We spend between one third and one half of our waking hours not living in the present. Always being nice isn't that good at all. तो सबसे पहले समझने की बात है कि आप क्यों अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो आपकी आइडेंटिटी है या जो आपकी सेल्फ है, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं और आप कोशिश करना चाहते हैं कि आप लोगों को खुश रख सकें। Way more money on. This is one of them, actually. आपको ज़्यादा सेक्सी कैसे बनाएं मेरे भाई जानों को? तो ये ऑब्वियस है कि लोग हमें जज करते हैं हमारे फिजिकल अपीयरेंस की वजह से। तो ऑब्वियसली आपने जो अपनी फिजिकल अपीयरेंस है एज अ स्टूडेंट और एज अ यंग यूथ, आपने उसको अच्छी रखनी है, उसको प्रेजेंटेबल रखना है ताकि पीपल वॉन्ट यू नो बी सो। सेकेंड पॉइंट ये है कि यू हैव टू बी काइंड, मस्ट हैव दैट काइंडनेस इनसाइड यू। जो एक ह्यूमिलिटी का जो फैक्टर होता है वो आपने अपने अंदर क्रिएट करना है। तो उसको आप क्रिएट करने के लिए यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स, यू कैन रीड, यू कैन प्रे और यू कैन डू अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। स्पेशली जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है इट एनहेंसेस योर ह्यूमिलिटी, आपको डाउन टू अर्थ बनाती है और आपको ये रियलाइज कराती है कि इन दिस ह्यूज कॉस्मॉस यू आर जस्ट अ स्पेक, बीइंग जस्ट अ स्पेक यू हैव टू यू नो रिस्पेक्ट ऑल द अदर ह्यूमन बीइंग्स एंड ऑल दैट इज अराउंड यू। जो तीसरा पॉइंट है दैट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ऑल द आइडियाज़, ऑल द इमोशंस आर एक्सप्रेस थ्रू कम्युनिकेशन। और जब तक आपकी कम्युनिकेशन में मिठास नहीं आती है, जब तक आपकी कम्युनिकेशन में ह्यूमिलिटी नहीं आती है, जब तक आपकी कम्युनिकेशन क्लियर नहीं होती है, तब तक कोई भी बंदा आपको ना समझ सकता है ना आपकी रिस्पेक्ट कर सकता है। तो आपने कोशिश करना है कि आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर करनी है। कभी कभी दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्करों में बंदा अपने आप से दूर हो जाता है, तो कोशिश करें ऐसा ना करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।